हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहां पे बात करेंगे CGSI के लिए, जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पे कैसे फॉर्म भरना है, यहां पे एडिट करना वगैरह है, तो यहां पे वीडियो डल चुका है, तो आप देख सकते हैं यहां पे। और आपका जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर को यहाँ पर कंडक्ट कराएगी व्यापम, जो कि 5 संभाग में जो कि कराया जाएगा। और यहाँ पे यहाँ जो कि क्या जो कि स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो कि आपका CGSI के एग्ज़ाम जो कि आपके आपके अक्टूबर में जो कि अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके, और वहाँ पे आपको जो कि एग्ज़ाम सेंटर में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए और आपका पेपर क्वालिफाई हो। तो ये सब बातें यहाँ पे चर्चा चलाया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पे बेस पे जो कि बात करेंगे। तो आपको कैसे तैयारी कर पाएंगे, तो आपका जो एग्ज़ाम जो कि क्वालिफाई हो पाए, तो सारी डिटेल बात कर। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि यहाँ पे जो सिलेबस है इसको अच्छे तरीके से आपको समझना है, इसके हिसाब से आपको जो कि पढ़ाई को करना है। तो यहाँ पे जो सूबेदार रूप में एक्शन सवर प्लाटून कमांडर है, तो जो चयन परीक्षा है, तो यहाँ पे जो कि आपकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा जो कि यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है सिलेबस यहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कि यहाँ पे बात करेंगे आपको कैसे रणनीति बनाएंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम जो कि क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो आपका पाठ्यक्रम है यहाँ पे जो कि प्रारंभिक लिखित परीक्षा का सिलेबस यहाँ पे देखेंगे, तो आपका जो पूर्णांक है जो कि 300 नंबर का रहेगा, जो आपका पेपर है प्री का, तो 300 नंबर का रहेगा। आपका जो समय है यहाँ पे 2 घंटा दिया जाएगा, तो 300 नंबर का आपका रहेगा और समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा बनाने के लिए। तो 2 बजे से आपका 4:15 तक आपका टाइम है एग्ज़ाम टाइम। इसके बाद देखते हैं, परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे, ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। तो या इसमें इस पेपर में आपको जो कि ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे, देख सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा, जिसमें 100 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करना होगा, और इसमें जो कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 3 अंक मिलेंगे, और इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, देख सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन से जो कि 105 नंबर का रहेगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको देखते हैं। तो पहला आपका भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, इसके बाद दूसरा में भारत की भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, तीसरा भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था आपको पढ़ना है, इसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ना है, इसके बाद सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ना है, भारतीय दर्शन कला साहित्य एवं संस्कृति यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं समसामयिक घटनाएँ, करंट अफेयर्स एवं खेल से करंट जो कि वर्तमान में जो कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद पर्यावरण, तो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो सामान्य अध्ययन से इस जो कि 8 टॉपिक से आपको पढ़ना है, और 105 नंबर का ये रहेगा। सामान्य अध्ययन से 105 नंबर के टोटल 8 टॉपिक से पूछा जाएगा। इसके बाद दूसरा आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो कि 75 अंक का रहेगा छत्तीसगढ़ का। तो सिलेबस में देखेंगे आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आपको क्या पढ़ना है। तो छत्तीसगढ़ की इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान है। इसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र के बारे में यहाँ को पढ़ना होगा आपको। इसके बाद छत्तीसगढ़ के साहित्य, संगीत, नृत्य, कला एवं संस्कृति, जनौला, मुहावरे, हाना एवं लोकोक्तियाँ, इसमें पढ़ना है आपका छत्तीसगढ़ साहित्य में। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, जो कि विशेष परम्पराएँ, तीज एवं त्यौहार, तो इसको पढ़ना है आपको। अब पाँचवा में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि व पुलिस, इसमें पढ़ना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, इसमें जो कि पढ़ना है आपको। और छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल, खनिज संसाधन, ये भी आपको इसमें पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ की सामसायिक घटनाएं और छत्तीसगढ़ में करंट में आपको करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान के। इसके बाद नक्सल समस्या के संबंध में सामान्य जानकारी आपको होना चाहिए, तो नक्सल समस्या के संबंध से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान, जो कि कुल 75 अंक यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका कंप्यूटर की सामान्य जानकारी भी होनी चाहिए, जो कि आपके 15 अंक कंप्यूटर के सामान्य जानकारी से क्वेश्चन आएगा। तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम के समतुल्य जानकारी होनी चाहिए। तो कक्षा 12वीं के जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में जो कि यहाँ पर 12वीं क्लास में दिया गया है, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो सिलेबस से यहाँ पर जो कि क्वेश्चन पूछा जाए कंप्यूटर के सामान्य जानकारी का,
पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, आपका 15 अंक यहाँ से पूछा जाएगा कंप्यूटर की सामान्य जानकारी से। बढ़ते हैं अगला, अगला आता है चौथा पॉइंट है सामान्य मानसिक योद्धा अयोग्यता जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। 30 से यहाँ से आपका 30 अंक से यहाँ से पूछा जाएगा रीजनिंग से। तो यहाँ पे आपको तर्क करना, संबंध देखना, एनोलॉजी, अंकिंग योग्यता आदि इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्य तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना, अंकिक श्रेणी, अक्षर रंग और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि पूछे जाएंगे आपके रीजनिंग से। इतने आपको 30 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा सामान्य मानसिक योग्यता से। अगला देखते हैं, आप आते हैं सामान्य गणित, तो यहाँ से 30 अंक यहाँ से भी आना है सामान्य गणित। तो आपके दशमलव प्रणाली, आपका दो दशमलव प्रणाली से, मैट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप, इसके बाद संख्याएं में पूर्ण सम विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान और इसके बाद साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। तो भिन्नों की परस्पर तुलना, दशमलव भिन्न के साधारण भिन्न में बदलना और इसके बाद वर्गमूल में, तो वर्गमूल निकालने की विधियाँ, गुणनखंड, भाग विधि, दशमलव वाले अंकों का वर्गमूल निकालना यहाँ से पूछा जाएगा वर्गमूल से। और इसके बाद आते हैं औसत, तो औसत निकालने से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं परसेंटेज, प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ है प्रतिशत के दशमलव, दशमलव को प्रतिशत में बदलने की संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद आते हैं चाल, समय और दूरी, तो चाल, समय, दूरी निकालने से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद सामान्य ब्याज जिसे साधारण ब्याज से यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद लाभ हानि से आपसे, क्रय विक्रय लाभ हानि से जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लाभ हानि से। इसके बाद अनुपात एवं समानुपात यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। और इसके बाद प्रतिशतता जिसमें जन्म, मृत्यु दर, जनसंख्या, वृद्धि, ह्रास यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद समतलीय, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, तो यहाँ से पूछा जाएगा। और उसके बाद दिशा का ज्ञान होना चाहिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ से 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ से। अब आते हैं हिंदी में, तो छठवां पॉइंट है आपका हिंदी जो कि 30 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाना है। सामान्य हिंदी की आपको जानकारी भी होना चाहिए यहाँ से 30 नंबर का जो कि पूछा जाएगा। तो स्वर, व्यंजन, वर्तनी, इसके बाद लिंग, वचन, काल, इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग, सामान्य रचना एवं प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि से क्वेश्चन पूछा जाएगा संधि से। इसके बाद व्याकरणिक अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशद, विदेशद, पर्यायवाची, विलोमनार्थी, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों का वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं सामान्य अंग्रेजी, तो इंग्लिश से आपको 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं अंग्रेजी से सिलेबस में हाँ नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंजक्शन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन, ये यहाँ से आपका 15 नंबर से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि यहाँ से 15 अंक से अंग्रेजी से पूछा जाए। तो अंग्रेजी से 15 अंक के क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख सकते हैं सिलेबस। तो मेरे हिसाब से आप जितना भी पढ़े हैं पहले, आप तो जितने भी पढ़े उसको धीरे धीरे रिवीजन करते चलिए जितना भी पढ़े हैं, और जो पढ़े नहीं होंगे उसका भी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाइए क्योंकि आपके पास 1 महीने का टाइम है, इसमें आपको सिलेबस को भी कवर करना है। देख सकते हैं यहाँ से सामान्य अध्ययन से 105 का जो कि यहाँ से आना है क्वेश्चन, तो जितने भी पढ़े हैं रिवीजन करते चलिए ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूज मत हो। इसलिए रिवीजन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए और जो पढ़े नहीं हूँ उसको पढ़ना ही स्टार्ट कीजिए, और साथ ही साथ आपको रिवीजन करते चलिए ताकि कंफ्यूज मत हो। इसके बाद छत्तीसगढ़ का ज्ञान यहाँ से 75 अंक का आना है, तो यहाँ पे देख सकते छत्तीसगढ़ का, तो रिवीजन करते चलिए। अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो उसको भी रिवीजन करते चलिए ताकि एग्ज़ाम टाइम आपको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। तो रिवीजन एकमात्र आपका तरीका है जिससे आपको एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान आपको पूछा जाए क्वेश्चन सामान्य मानसिक योग्यता। इसके बाद आपको रीजनिंग और मैथ्स को प्रैक्टिस भी करना है, तो उसके लिए आपको टाइम टेबल क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए यहाँ पे।
तो आपको टाइम टेबल बना के चलना है। इसके लिए रीजनिंग और मैथ्स के लिए प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस ये आपका जो कि यहाँ से प्रैक्टिस से आपको गणित और रीजनिंग जो कि इससे प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन बनना है। रीजनिंग और मैथ्स में आपको प्रैक्टिस ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसके बाद हिंदी 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 भी पढ़ने स्टार्ट कीजिए। और आपको स्वास्थ्य के हिसाब से अपना सिलेबस के हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, कौन सी समय कितना टाइम देना है, ये सब आपको सिलेबस के हिसाब से टाइम बनाइए, इस हिसाब से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए, रिवीजन से जो कि आपको जो याद किए रहेंगे वो सब आपके माइंड में घुसेगा। तो रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करिए और आज से टाइम टेबल बनाइए और पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि आपके पास एक महीने का टाइम है। इसमें आपको सिलेबस को कंप्लीट भी करना है और रिवीजन भी आपको करना है। इसलिए टाइम टेबल बनाइए जी, एक लक्ष्य बनाइए कि पेपर निकालना है करके उस पर चलिए। तो ये थे आपका SI3 का सिलेबस जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, इस माध्यम से वीडियो को बनाया गया था। तो अगर नए हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने भाई बहनों दोस्त को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले सिलेबस में क्या पढ़ना है। सिलेबस से अगर जाने नहींगे तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।